विधानसभा सीट से पूर्व में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके स्वर्गीय वैद्य श्रीनिवास के बेटे सुरेश वत्स द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट। उनका कहना है कि सिरसा विधानसभा की भाजपा की टिकट पहले ही बिक चुकी है, क्या अब भाजपा में भी टिकट बिकने लगी है? कुछ दिन से सिरसा में चर्चा आम है कि एक टिकट आरती भाजपा कार्यालय दिल्ली में भारी भरकम सौदेबाजी कर अपने टिकट पक्की कर चुका है। ऊपर से आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ लोगों द्वारा ऐसी पोस्ट इस बात पर सवालिया निशान खड़ा करती है कि क्या वाकया में ही टिकट बिकी है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री एक और अपनी ईमानदारी व साफ छवि को लेकर के जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं इस तरह की पोस्ट भाजपा के बढ़ रहे आंतरिक भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। क्या भाजपा की टिकट पैसों के दम पर वितरित होगी या कार्यकर्ताओं की योग्यता के आधार पर, यह तो आने वाले समय के गर्भ में है। परंतु यदि भाजपा की टिकट पैसों के दम पर सौदेबाजी करने वालों को मिलती है तो इस पोस्ट की पुष्टि हो जाएगी, अन्यथा हरियाणा के मुख्यमंत्री की साफ व ईमानदार छवि के अनुरूप यदि टिकट वितरित की जाती है तो भाजपा का नारा भ्रष्ट मुक्त देश और प्रदेश बनाया जा रहा है, यह नारा सार्थक सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो यह सवालिया निशान ऐसे ही बरकरार रहेगा।